सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। आगे बढ़े, ठीक है। आगे कहानी क्या है? हाँ बोलो अच्छी सर, हाँ बोलो अच्छी, बोलो सर। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है या फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है या डिक्रीज? बता देते हैं आपको, ये भी बता देते हैं, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि आमतौर पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा वैसे बताओ लरिका, डेली लाइफ में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल हो उसका क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है और वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? मीनिंग क्या मीनिंग है बोलो भाई। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक ही वेलोसिटी से मूव कर। नहीं बच्ची क्या बोल रही हो? अनन्या सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। थोड़ा सा एलैबोरेट करो, बहुत डिटेल में समझा के बताओ। बोलो भाई। जैसे कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। देखो अच्छे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड बढ़ेगी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, जैसे कि उसने कहा, इस बच्चे ने बताया। जैसे मान लो स्पीड बढ़ रही है तो 10 मीटर पर सेकंड है स्पीड, मान लो एक सेकंड बाद हो गई 12 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन तो है, फिर एक सेकंड बाद हो गई 14 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो बढ़ रही है बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझ गए? वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बढ़ती है बट रैंडम रेट से बढ़ती है, मतलब पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड बाद हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद हो गई 35 मीटर पर सेकंड, कोई डेफिनेट रेट नहीं है, फिर हो गई 70 मीटर पर सेकंड, तो देयर इज नो डेफिनेट रेट। समझे या नहीं समझे इस बात को? हेलो बोलो भाई, बोलो। yes, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं बच्चों एक टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। वी एंड ओमेगा, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना है क्या। तो एक बॉडी है जब सर्कल पाथ में घूमती है, जैसे ये एक मान लो एक बॉडी है सर्कल पाथ में घूमती है, घूम रही है, दिख रहा है बच्चों एक बॉडी सर्कल पाथ में घूमते हुए, ठीक है बच्चों? हेलो। यस सर। जैसे मान लो पेन का ब्लेड है सर्कल पाथ में घूम रहा है, उसमें एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी के दो टाइप के मोशन है, एक तो इसका लीनियर मोशन भी है एंड एक इसका एंगुलर मोशन भी है, एंगुलर डिस्टेंस भी है। इसने लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और एंगुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। क्या मतलब है कोई बच्चा इस चीज का बताएगा? लेंथ वाइज भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एंगल वाइज भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कोई बच्चा बताएगा, इलेबोरेट करेगा इस चीज को? पी पॉइंट जब घूम के यही आ जाएगा, सुन रहे बच्चों मेरी बात को? पी पॉइंट जब घूम के यही आ जाएगा तो उसने लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया और एंगुलर भी किया है, इसका क्या मतलब है? और एक राउंड बाद लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ, तो बच्चा बता सकता है? तो कोई होनहार सा बच्चा हमारे पास जो बताए, बोलो। सर हाँ बच्ची बोलो। सर 2π क्या? 2π क्या, कौन सा, लीनियर एंगुलर? लीनियर 2π नहीं बच्ची, लीनियर 2π कैसे हुआ? लीनियर हुआ, लीनियर हुआ 2πr, लीनियर हुआ लेंथ, मैंने एंगुलर बोला। हाँ अच्छी तो बोलो ना, लीनियर हुआ 2πr और एंगुलर हुआ 2π रेडियन और 360 डिग्री। किसी और ने लीनियर बोल दिया था, मैं बोलता सर। देखो अच्छे, जैसे पी पॉइंट घूम करके यहीं पे आया तो उसने लेंथ में कितना ट्रेवल किया, इसने इतनी पूरी लेंथ ट्रेवल की है, ये देखो पूरी लेंथ ट्रेवल की, सरकमफेरेंस इतनी, और ये लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है या नहीं होती है? अरे बोलो भाई, होती है नहीं होती है? yes, sir.
लेंथ इतनी, पी पॉइंट ने इतनी लेंथ ट्रेवल की नहीं की, और एंगल कितना ट्रेवल किया, 360 डिग्री ट्रेवल किया या 2 पाई रेडियन ट्रेवल किया या नहीं किया? यस सर किया। बोलो। किया सर। जब बॉडी घूम रही होती है तो उसके ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे फैन का ब्लेड घूम रहा है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, वो जो पॉइंट घूम करके वापस आता है तो उसने लेंथ भी ट्रेवल की है, उसने एंगल भी ट्रेवल किया है, तो उसका लीनियर डिस्टेंस भी होता है, उसका एंगुलर डिस्टेंस भी होता है। अगर लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस है तो उसके हिसाब से उसकी लीनियर वेलोसिटी भी है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मीटर पर सेकंड में बोलोगे तो लीनियर वेलोसिटी होगी, और रेडियन पर सेकंड में बोलोगे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और साथ में एंगुलर भी कर रहा है साथ साथ में एक तरीके से। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों, ये बात समझे या नहीं समझे? जैसे मान लो आपने कहा कि अगर कोई लीनियर एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, बॉडी लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है और एंगुलर डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी। हां देखो अच्छे, जैसे ये एक बॉल है इसको घुमा रहे हम, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लो इसने दो राउंड घूम लिए इस बॉल ने, टू राउंड्स, ठीक है। दो राउंड में इसने लीनियर डिस्टेंस कितनी लेंथ ट्रैवल की, लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 4πr, 2 into 2πr, length इतनी travel कर दी, और angular कितना किया? 4π radian, 720 degree में और radian में 4π radian, कोई doubt या नहीं? Clarification हुआ, ठीक है अच्छा। तो अब कहानी ये आती है अच्छा, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है कि ठीक है, मतलब एक बॉडी सर्कल पाथ में घूमती है, उसके ऊपर कोई पॉइंट आप कंसिडर करते हो तो उसकी लीनियर डिस्टेंस भी होती है और एंगुलर भी होती है। कई बच्चे सोचते हैं सिर्फ एंगुलर होती है, यार एंगुलर के अलावा लीनियर भी तो होती है ना, लीनियर दिख रहा है ना आपको, लीनियर भी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी क्या होती है इधर ध्यान से देखो। आगे कहानी क्या है कि अब जैसे फैन के ब्लेड है, फैन का ब्लेड है, जैसे मान लो ये तो अब ये फैन का ब्लेड है हमारा, दिख रहा है फैन का ब्लेड दिख रहा है? मान लो कि फैन के ब्लेड पे हम कुछ पार्टिकल मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम मान लें इस पे, पार्टिकल पी, पार्टिकल क्यू, अगर एक राउंड होगा तो पार्टिकल पी भी घूम के वहीं पे आएगा और पार्टिकल क्यू भी घूम के वहीं पे आ जाएगा एक राउंड में। पूरा फैन का ब्लेड एक साथ ही घूमता है ना, ऐसे तो नहीं आगे पीछे हो जाएगा, ये पार्टिकल पी का पाथ है और ये पार्टिकल क्यू का पाथ है। समझे या नहीं समझे बच्चों? पूरा फैन का ब्लेड घूम के आ जाएगा, समझे नहीं समझे? जब फैन का ब्लेड एक राउंड घूम के आ जाएगा तो पी भी उधर घूम के वापस आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। अब ये बताओ जो लीनियर डिस्टेंस है वो किसका ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा या क्यू का ज्यादा होगा? सर क्यू का। क्यू। क्यू का बताओ, क्यों, क्यों, व्हाई? सर क्योंकि रेडियस ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा दूरी ट्रेवल की है। लिख सकते हैं ऐसा बच्चों, आपके सामने लिख सकते हैं, बोलो भाई बोलो। यस सर। ठीक है, बट अगर बात करें एंगुलर की तो ये किसका ज्यादा कम होगा या क्या होगा, दोनों का एंगल 360, मतलब दोनों ने एक ही राउंड ट्रेवल किया है। मान लो दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें ऐसे ऐसे, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है। ये क्या बन जाएगी, वीपी इस और वीक्यू, और ये क्या हो जाएगी, ओमेगा पी ओमेगा क्यू। समझ में आ रहे हो बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, जैसे जो भी हो रहा है उसको डिस्टेंस डिस्टेंस बोलो, फिलहाल ऐसा कुछ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन चीजों से आपको क्या समझ में आया बच्चों, इसको अगर अंडरस्टैंडिंग आप इसकी करो, मतलब इसको और इसको एनालाइज करो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस रिजल्ट से? पंखे का जो ब्लेड है उसमें जो पार्टिकल जितनी दूरी पे होता है, जैसे कौन सा पार्टिकल सेंटर से ज्यादा दूरी पे, पी या क्यू? अरे भाई कौन सा पार्टिकल,
जो पार्टिकल जितनी दूरी पे होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्यों पार्टिकल ज्यादा दूरी पे है उसकी ज्यादा वेलोसिटी है और पी पार्टिकल पास में उसकी वेलोसिटी कम है, बट एंगुलर वेलोसिटी सभी की क्या है, सेम है। समझे या नहीं समझे? क्योंकि सभी पार्टिकल सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस के साथ साथ अगर डिस्टेंस अलग अलग हो पार्टिकल का तो उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, बट उनकी एंगुलर वेलोसिटी सभी की क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी सभी की क्या होती है, सेम। एंगुलर वेलोसिटी सभी की क्या होती है, सेम होती है। ये बात समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। समझ में आ गया? सर आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज आ रही है? क्यों नहीं आ रही? ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है आगे बढ़े। तो हमको एक रिलेशन निकालना होता है बच्चे, वी और ओमेगा में हम निकालते हैं उसको, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना बच्चों, ये सिर्फ रटने वाला है डेरिवेशन, इट इज अ डेरिवेशन, और इसको थोड़ा रट्टा टाइप ही है, रट्टा टाइप तो नहीं है, समझ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक एक पार्टिकल है, फिलहाल पॉइंट पी पे है, घूम रहा है, घूमते घूमते पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। समझ रहे हो बच्चों? कहां से कहां पहुंच गया? पी से क्यू। ठीक है, अरे समझ रहे हो बच्चों? Yes, मान लो उसने एंगल जो स्वेप्ट किया वो डेल्टा थीटा है, कितना एंगल स्वेप्ट कर गया, एंगल स्वेप्ट मतलब समझ में आया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंगल स्वेप्ट, इतना एंगल वो घूम गया। मान लो उसने जो लेंथ ट्रेवल की वो है डेल्टा एल, लेंथ ट्रेवल। मान लो इसका रेडियस है आर, और चलो बच्चों अब क्या है बच्चों, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन या डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। और मान लो ये जो मोशन हुआ है डेल्टा टी टाइम में हुआ, तो डिस्टेंस बाय टाइम कितना हुआ, सॉरी डीएल बाय, कोई दिक्कत बच्चों? डेल्टा बाय डेल्टा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को? ये लीनियर स्पीड हुई, लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, कोई दिक्कत? स्पीड वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन में ऐड हो जाता है बस, वेलोसिटी में और अगर देखा जाए तो कोई डाउट, किसी को डाउट तो नहीं इससे रिलेटेड? बताओ बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। सर ये एक बार दोबारा बताना, इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्या दिक्कत आ रही है? डिस्टेंस जब वो पी से क्यू गया उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा एल, और कितने टाइम में किया, डेल्टा टी टाइम में किया, ये हुई लीनियर वेलोसिटी। बोलो एलोरिका। ओके सर। यस सर। लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं एंगुलर का, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट सर? क्या डाउट? नो सर। ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड इक्वेशन और बनती है बच्चों, वो मैंने पैरेलेक्स के टाइम में पढ़ाया था आपको, फिलहाल दिमाग मत लगाना। देखो बच्चे एक ट्राइंगल में हमने आपको सिखाया था एक चीज कि जैसे ये है आर्क इंटू एंगल का, जी सॉरी रेडियस इंटू एंगल होता है आर्क के बराबर, मतलब आर जैसे आर डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। तो ये पैरेलेक्स में मैंने पढ़ाया था, फिलहाल दिमाग मत चलाओ बच्चे उस पर, ये भी होता है ट्राइंगल का रूल होता है ये थर्ड, आर इंटू एंगल को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एल मिलेगा, रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल टू आर्क, रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल टू आर्क। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन आ जाती है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? बोलो सर। क्या बोलो चीक, बोलो क्या? मैंने नो सर बोला। चलो आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में ना डेल्टा टी को ऊपर भगा दो, ऊपर भगा दो, क्या हो जाएगा ये बताना? P डेल्टा T इक्वल टू, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही कर दो, ऊपर भगा दो, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन को अपने साथ साथ लिखो,
क्या क्या इक्वेशन है हमारी देख लेते हैं. डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल. वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस, वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस. ठीक है, ये डेल्टा एल है और ये भी डेल्टा एल है, इक्वेट करा दो. क्या करें बच्चों, क्या आएगा बोलो, क्या करें, क्या लिखें, क्या लिखूं? v delta t is equal to r delta theta. शाबाश बच्चों, शाबाश. अब यहां से हमारा डेल्टा थीटा है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो. कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? v डेल्टा t बाय r. कोई दिक्कत, पुट कर दिया डेल्टा थीटा की जगह. कुछ कटेगा इसमें से, कुछ कटेगा डेल्टा टी काट दे, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या आ गया, आर ओमेगा, आर ओमेगा या ओमेगा आर कुछ भी बोल लो, आगे पीछे किसी को भी ओमेगा आर बोलने में आसानी सी होती है थोड़ा सा, आर ओमेगा है, चलो जो भी बोल लो यार, क्या फर्क. तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन है, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, इसमें एक खास चीज है, देखो बच्चों, अगर आप देखो तो v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका क्या मतलब मतलब है सर, अगर v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा या फिर r बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, ये बोलो बच्ची. v बढ़ेगा तो r नहीं बढ़ेगा, अगर r बढ़ेगा तो v बढ़ेगा. तो यस सर. इसका क्या मतलब है, जो पार्टिकल सेंटर से जितनी ज्यादा दूरी पे होगा, जैसे p और q पार्टिकल है, कौन सा पास है कौन सा दूर है इनमें से, कौन सा सेंटर से ज्यादा पास है कौन सा दूर है बोलो. p पास है q दूर है. जो पार्टिकल सेंटर से जितनी ज्यादा दूरी पे होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी. अगर किसी, कोई बच्चे क्या करते हैं, फैन को टच करा के दिखाते हैं, देखो मैं फैन को टच कर सकता हूँ, बीच से टच करते हैं ना तो कुछ नहीं होता, ऐसे ही मैं टच कर लेता हूँ कभी भी फैन को बीच से, सेंटर से, कोने से टच करके देखो तो पता चल जाए. सर मेरा हाथ कट गया था. देखो अच्छी, साइंस को प्रैक्टिकल इतना भी नहीं करते हैं, तो ध्यान रखा करो, साइंस प्रैक्टिकल के लिए होती है, बट ऐसे सारे प्रैक्टिकल नहीं कर दोगी. पता चला करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल करने बैठ गई, शॉक वॉक का फ्यूज उस सब का अपने शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी करने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, घर में आग वाग लग जाएगी. सारे प्रैक्टिकल घर पे नहीं किए जाते हैं, समझे लड़का? हेलो. यस सर. सर मैं छोटा था तब किया था. ओह माय, छोटे बचपन से ही प्रैक्टिकल चालू कर दिए बच्चे घर पे, शाबाश बच्चे, शाबाश. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ देखो, इसे कहते हैं साइंस की डेडिकेशन, बचपन से बच्ची प्रैक्टिकल करते हुए आ रही है. चलो अच्छा, ये रिलेशन आ गई, एक क्वेश्चन देते हैं से करो. फैन, फैन इज रोटेटिंग, रोटेटिंग, रोटेटिंग विथ 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 120 बाय पाई राउंड पर मिनट आरपीएम, राउंड पर मिनट आरपीएम फॉर, बोलो आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर मिनट दोनों सेम चीज है. ठीक है, ठीक है. इट्स रेडियस मतलब इट्स ब्लेड्स रेडियस इज 1 meter. उसका जो ब्लेड है, ब्लेड समझ में आ गया बच्चों, ब्लेड. यस सर. ये जो दूरी है सेंटर से 1 meter की है, सेंटर से दूरी. ठीक है, फाइंड लीनियर स्पीड और वेलोसिटी एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट
0.5 मीटर फ्रॉम सेंटर. एक पॉइंट है जो सेंटर से 0.5 मीटर की दूरी पे है, मतलब यहाँ यहाँ कहीं होगा, इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी? कैरी ऑन बच्चे, जल्दी करो. टू मीटर पर सेकेंड. देखते हैं बच्चे बाकियों को करने, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है. हुआ बच्चों? हुआ? अरे हुआ हुआ हुआ. करें बच्चों? चलो मैं कर रहा हूँ, बहुत समय दे दिया बच्चों को. क्या फॉर्मूला लगेगा विज्ञात? क्या करें बताओ विज्ञात? विज्ञात विज्ञात, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो